हम रास्ते से जा रहे थे दोस्तों, और हमें दिखा ये ट्रक, और इस ट्रक का एक्सीडेंट देखिए दोस्तों आप कितनी बुरी तरह से हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है, और ये लोग हमें बता रहे थे कि इस ट्रक वाले की कोई इसमें गलती नहीं थी, और उसके साथ ही साथ इस ट्रक में जो माल भरा हुआ था वो भी लोग चुरा कर ले गए। जी हाँ दोस्तों, सभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है ये ट्रक, और जो ड्राइवर है उसका क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरह से इसके टायर्स भी और पूरी बॉडी बेंड हो चुके हैं यहाँ पर, और इसके जो पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरे इस ट्रक से, और ये पूरी तरह से आगे से आप देख ही सकते हैं पूरी तरह से चिपचाप हो चुका है यहाँ पर, और कुछ इसमें बचा ही नहीं है दोस्तों। अब इसका इंश्योरेंस तो होगा। यहाँ पर वो खड़े थे, इस ट्रक के ओनर थे, और इस पर ड्राइवर था, ड्राइवर को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, पुलिस केस हो चुकी है। देखिए मलबा कितनी दूर गिरा है दोस्तों इसका, मतलब कि कितनी ज़ोरदार यहाँ पर टक्कर हुई होगी। तो दोस्तों इसका जो ड्राइवर है उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लड़का ही था, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, उसको कुछ नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उसको कुछ नहीं लगा यहाँ पर। उसका नसीब कह लीजिए या फिर कोई दूसरी चीज़ कह लीजिए, तकदीर कह लीजिए, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्रक का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस पेड़ से पहले वो ट्रक टकराया, बाद में जाके उस पेड़ से टकराया, लेकिन ट्रक स्पीड में होगा इसीलिए इतना बुरा हाल हुआ है यहाँ पर ट्रक का, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। ट्रक का इंश्योरेंस है तो वो ट्रक का इंश्योरेंस कवर हो जाता है, और अंदर से आप ड्राइवर की सीट की तरफ देख लीजिए कितनी ज़्यादा डैमेज हुआ है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये तो कवर हो जाएगा इंश्योरेंस में, लेकिन ट्रक का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पर हुआ है। और एक अच्छी बात हुई है कि ट्रक ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग इसके अंदर का माल चुरा कर ले गए वो कितने, आप समझ सकते कितने बुरे लोग हो सकते कि किसी की मदद करने के अलावा वो इस ट्रक का माल चुरा कर ले जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कोई आपके साथ हादसा होता है तो किसी की मदद कीजिएगा, और सब संभाल के गाड़ी चलाइएगा, गाड़ी स्पीड में बिल्कुल भी ना चलाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं दोस्तों। तो ये हमें दिखा और हमें लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए।